हरे कृष्ण जय श्री राधे गणपति बप्पा मोरया। तो फाइनली मैं आप लोगों को दर्शन कराती हूँ मुंबई के कुछ फेमस गणपति पंडाल का, जो कि मेरे घर के आसपास ही है। क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही थी तो हम बहुत सारे जगहों पे नहीं जा पा रहे थे, तो हमने सोचा कि जो नज़दीक में है वहीं पे सब चले जाते हैं। और ये मेरे फेवरेट है, आई स्वेयर। और मतलब एकदम पूरा साउथ इंडियन टच में, एकदम ब्लैक कलर की लुंगी और सारी चीज़ें इन्होंने पहना, तो बहुत प्यारा श्रृंगार था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये फर्स्ट डे का ही है जब पप्पा को ले के आ रहे थे, तो मैं एक ही ब्लॉग में सारा बता दूंगी, क्योंकि बारिश की वजह से मैं बहुत सारी जगहों पे नहीं जा पाई हूँ। तो आपको दर्शन भी करा दूंगी, विसर्जन का भी, सब कुछ आपको एक ही व्लॉग में दिखेगा। और पीछे आपको एक और पप्पा दिख रहे, तो और भी सुंदर थे। और क्या मस्ती हो रही थी बॉस यहाँ पे, सर साउथ इंडियन गाने वाने बज रहे थे, एकदम डांस वांस हो रहा था। बट मैं साउंड नहीं डाल सकती क्योंकि फिर कॉपीराइट वाला इशू आ जाता है इसीलिए। और इसके बाद ये जो आप क्राउड देख रहे हैं, ये पूरे रास्ते पे हमको कम से कम 2 से 3 पप्पा दिखे थे जो लेके आ रहे थे लोग, खूब बड़े बड़े एकदम, बड़ा आप देख रहे होंगे साइज़ में भी फुल थे, फुल बड़े साइज़ के थे। और ये मस्त डांस वांस सब चल रहा है, मैं तो बड़ा इंजॉय की मैं बहुत इंजॉय की, मेरा मन भी बहुत था डांस वांस करने का, लेकिन नहीं जा सकते ना, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इधर उधर डांस करने से पहले। और हमको जाना था, पता है मुंबई के बहुत फेमस भी पंडाल है लाल बागचा राजा, बट नहीं जा पाए, बहुत दूर, 8 घंटे 12 घंटे 24 घंटे इतना लंबा लाइन लगता था वहाँ पे। तो हमने बोला कि देखो पप्पा तो हर जगह है, ठीक है कहीं भी चले जाओ, अच्छे श्रद्धा भक्ति मन से जाओगे तो सब पूरा ही है। आप 12 12 24 घंटे हम तो अपने लाला को छोड़ के तो नहीं जा सकते। आप सोचो रात को मैं 9 बजे उनको सुला के फिर हम लोग 9 बजे के बाद जाते थे दर्शन वगैरह करने के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, जो जो वाइब है ना गणपति का, मतलब मुंबई में मैं आपको क्या बताऊँ कि एकदम अलग ही होता है, एकदम अलग, दिल खुश हो जाता है। बस इस बार है ना बारिश ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, इससे पहले कोविड की वजह से बड़े बड़े पंडालों में बप्पा को नहीं लाया गया था, घर में बिठाए थे वो, ठीक है। तो इस बार हम लोग को देखने को मिल गया फाइनली, तो मिला कि नहीं कर दी, अब इस बार तो जाना ही है, जाना चाहे कुछ भी हो जाए। ये बच्चों को देखो इतना इन्जॉय कर रहे थे ये लोग, इतना इन्जॉय कर रहे थे क्या बताऊँ। मुझे क्या है, नॉर्मली ऐसे बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या तो बहुत ज़्यादा क्राउड और ये सब होता है ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगता है। और फिर मुझे सुबह जल्दी भी उठना होता है ना, क्योंकि लाला को भी उठाना रहता है, वो सब चीज़ें हैं। और ये आप देखो पब्लिक, तो मेरा बड़ा मन था पता है वो उसमें साउंड डालने का, अगर आप उसमें साउंड सुनते ना आपको पागल हो जाते, सुनते डांस हो जाता है, इसी से अंदाजा लगा लो गाना कैसा बन रहा है। बट जैसे पता है इससे पहले भी मेरे एक वीडियो में कॉपीराइट आ गया था, तो मैंने उसके बाद क्या होता है ना व्यूज डालना चाहता है, मैंने वो छोड़ दिया। तो मैं ये वाला व्लॉग अपडेट कर रही हूँ, और अभी हम इससे और आगे जाएंगे, दर्शन भी करेंगे, पहले दिन का ही है ये वैसे भी मेरे पास अभी, तो ज़्यादा दिन तो नहीं किया था मैंने, 4-5 2-3 ही दिन गई थी मैं, इससे ज़्यादा तो बहुत मुश्किल हो जाता जाना मेरे लिए। फिर फैमिली फंक्शन जिन दिन के फैमिली में पप्पा बैठे थे वहाँ पर भी गई थी, तो वो तो मैंने शॉर्ट्स में डाल दिए वो सारे वीडियोज़, वो तो सिर्फ यही वाला है। भाई मज़ा आ गया यार, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे आई हूँ मतलब देखने के लिए। इससे पहले तो मैं मतलब नहीं निकल पाती थी, कोई रहता नहीं था जाने के लिए, इस बार तो यहाँ पे सब दोस्त वोस्त हैं, तो मतलब चलो दर्शन करके तो आए कम से कम। और ये वाइब देख के जो मज़ा आता है ना, उफ ये कहीं नहीं, वीडियो में देख रहे थे ऐसे, आप ऐसे सामने सामने देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा उफ, ऐसा लगता है सच में बप्पा ऐसे एकदम खड़े हैं, एकदम बहुत ही सुंदर, बहुत इतने भीड़ में चुपचाप ओना पकड़ के बैठ गई थी, क्योंकि बीच में मारा मारी भी होते खोपड़े फोड़ने लग गए दूसरे के, मजाक कर रही, इतना चिलम चिली होने लग गई थी, धक्का मुक्की होने लगी थी, मैं चुपचाप कोने में जाके खड़ी हो गई, मतलब भैया लग वग जाए इससे बेहतर है। और मैंने इतने करीब से दर्शन किया, और पूरा क्राउड आप देख रहे हैं एकदम एंड तक, और एक साथ दो दो तीन तीन बप्पा साथ में लेके जा रहे थे, और जो वाइब था, जो पूरा रोड एकदम पैको पैक, गाड़ी वाड़ी सब कुछ बंद, और हम पैदल ही निकले थे देखने के लिए।
और फिर हम आगे जाएंगे, और तो हमको यहाँ पे एक बहुत प्यारे से पप्पा मिले, हमने दर्शन किया उनको, और आप बिलीव नहीं करेंगे हर जगह हमको प्रसादी मिली है, और वो इतना सुंदर लग रहा था ना कि पूछिए मत। ये जो मोदक है ना, मतलब भगवान की तरफ से यानी कि पप्पा की तरफ से जो मोदक मिलता है ना, उसका जो स्वाद है ना वो अलग है, और आप जो खुद बनाओ या मार्केट से खरीद के खुद खा लो ना, उसका स्वाद अलग होता है। लिटरली आप ट्राई करके देखना। सच बताना आप लोग, ये पप्पा आपको सुंदर नहीं लगे? मतलब मेरी नज़र इनसे हट नहीं रही थी, एकदम सिंपल सॉबर और इतने प्यारे कि पूछिए मत। अगर रात का टाइम नहीं होता और मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना होता ना, आई लिटरली मैं कह रही हूँ कि मैं कम से कम आधा एक घंटा उनको बैठ के निहार सकती थी। और फिर हम आगे यहाँ पे आए, ये पप्पा को थोड़ा सा टाइम लग गया था आने में, हमारे जाने के टाइम पे ही आ रहे थे, लेकिन हमको आगे दर्शन करने जाना था, तो मैंने कहा चलो हम बाद में रिटर्न में देख लेंगे। और हमको हमने दर्शन किया यहाँ पे इनका अच्छे से बढ़िया तरीके से, फिर दो दिन के बाद फिर हम वापस से निकले, दो तीन दिन के बाद, क्योंकि मैंने कहा कि बारिश हो रही थी कंटिन्यू, तो हम दर्शन करने नहीं जा रहे थे। फिर हम कुछ अपने फैमिली फ्रेंड से उनके घर पे गए, दर्शन किए, फिर हम आ गए लोखंडवाला। वहाँ पे हमने लोखंडवाला मार्केट है, वहाँ पे बहुत सुंदर गणपति बप्पा बिठाए थे पंडाल में, तो हमने यहाँ पे उनका आशीर्वाद दिया, बहुत सुंदर तरीके से हमने दर्शन किया, प्रसाद वगैरह भी हमें मिला। और मैं तो एक ही चीज़ बोलती हूँ, देखिए जैसे दुर्गा पूजा का पंडाल हो या गणपति पंडाल हो, मेरे ख्याल से सब लोगों को जाना चाहिए, सारे त्यौहार हमको धूमधाम से बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। और मैं सब लोगों को कहती हूँ कि देखिए ये सब त्यौहार में ही तो हमारी मतलब हमको जो प्रसन्नता महसूस होती है, अपने भगवान के जो वाइब्स हैं आप देखना अपने आसपास आपको नज़र आने लगते हैं, सारी नेगेटिविटी सब दूर होने लगती है, क्योंकि आप क्या होता है ना, भक्ति की तरफ आपका जो झुकाव होता है ना वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। और फिर हम यहाँ से आए चलते चलते दूसरे पंडाल पे, कम से कम 10-15 मिनट चल के बारिश यहाँ पे फिर से चालू हो गई थी, और इन्हें कुछ ज़्यादा ही ऊपर बिठा दिया था हमारे पप्पा को, बहुत ऊपर बैठे थे वो, लिकोलू मोलू से एकदम बहुत प्यारे से बहुत सुंदर तरीके से हमने दर्शन किया। और ये हमने किया था लोखंडवाला बैक रोड पे, ये पप्पा को बैठा था। पहले मैं इस जगह पे बहुत ज़्यादा आया करती थी, लेकिन मैं कभी भी पप्पा ने मुझे दर्शन के लिए नहीं बुलाया, लेकिन इस बार मैं पहली बार इनका दर्शन करने के लिए आई हूँ। और अब हम यहाँ से जाएंगे लोखंडवाला मार्केट, कुछ खाएंगे पियेंगे, क्योंकि बहुत तगड़ी भूख लगी है मुझे, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था, हम 5 बजे ही निकल गए थे।
और आज है सातवां दिन और आज भी बहुत जगहों पे विसर्जन हो रहा है। तो हम एक और पंडाल में आए जो हमारे घर के थोड़ा सा आगे था। बहुत सुंदर से बप्पा थे, एकदम सूर्य देवता हैं उस रूप में, पूरा श्रृंगार और उनका सब चीज़ें रखी हुई थी। और जब हम घर से निकले तो बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ से निकली और भयंकर बारिश होनी स्टार्ट हो गई। बट हमको रास्ते में जितने भी पंडाल दिखे, जितने भी पप्पा दिखे, हम सबका आशीर्वाद लेते हुए हम आगे जा रहे थे। क्योंकि ऐसा कहाँ मिलता है ना, मुंबई में इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहाँ इतना ठहराव होता है कि इंसान 2 मिनट रुक के दर्शन करके या त्यौहार फेस्टिवल अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करे। तो मुझे ये सुंदर से पप्पा मिले, हमने यहाँ पर उनके दर्शन करे। और विसर्जन हो रहा है बप्पा का, तो हम विसर्जन देख के चलते। और आपको दिख रहा होगा कि बारिश भी हो रही है, मैं ऑलरेडी आधी भीग चुकी हूँ, लेकिन मैं दर्शन करूँगी क्योंकि मैं इसी चीज़ के लिए बाहर निकली हूँ। तो आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। जय श्री राधे। विसर्जन 3 दिन का विसर्जन, 5 दिन का, 7 दिन का और 10 दिन का, कुछ इस हिसाब से विसर्जन होता है। पप्पा का लोग इस हिसाब से घर पे लाते हैं पप्पा को। तो हम ये 7वें दिन निकले थे, ये तब के, और बहुत प्यारे सुंदर से पप्पा हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और मेरे को इतना भूत सवार हुआ है दर्शन करने का कि मैं बारिश कुछ नहीं देख रही। बारिश तो होती रहेगी, हाँ, पप्पा के लिए 1 साल वेट करना पड़ेगा मुझे फिर से। घर आ गई मैं, 3-4 किलोमीटर के आसपास में आराम से चली होंगी, लेकिन नॉन स्टॉप बारिश हो गई। मैं बारिश देख के निकली थी कि बारिश नहीं होगी तब मैं जाऊँगी, और बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जैसी बाहर निकली वैसी बारिश होनी स्टार्ट हो गई। और भी देखने थे मुझे, दर्शन करने थे, लेकिन नहीं कर पाए। देखो पूरे बाल बाल गीले हो गए मेरे, ऊपर से कल एकादशी है, आज 7वां दिन है ना, तो आज दर्शन भी कर लिया मैंने, विसर्जन हो रहा था हमने वो भी देख लिया, और भी कुछ जगह जाना था, लेकिन बहुत तेज़ बारिश बढ़ गई थी। तुम लोग घर आ गए, अभी 11 बज रहा है रात के, 2-3 दिन अभी और बचा, देखते 3 दिन कितने दर्शन हो पाते हैं। हरी बोल। बहुत फेमस मंदिर भी है पता है यहाँ पे, लाल बाग का राजा, आपने सुना होगा नाम। 200-300 करोड़ का मतलब उनका इंश्योरेंस होता है समथिंग कुछ। मैंने डिसाइड किया था कि वहाँ जाएंगे हम लोग कुछ डिवोटीज लोग मिलके, बट वहाँ की भीड़ देख के ना मेरी तो हिम्मत टूट गई। 24 घंटे, 25 घंटे, 26 घंटे में नंबर आ रहा है, सोचो। इससे अच्छा भैया आसपास के बाबा का दर्शन करके वापस घर आ जाते, वही बेटर है, इतनी दूर जाना। हरी वो, तो आज लास्ट डे है। ये पप्पा हमारे रह गए थे, बल्कि हमारे घर के बाजू में थे, फिर भी हम नहीं दर्शन कर पाए, और इसकी तो पूरी कहानी ही अलग है। तो हम निकले दर्शन करने इनका, और बारिश तो पड़ गई थी बहुत तेज, लेकिन हम फटाफट लाल भगवान का दर्शन किए, यहाँ से निकले, और रात को विसर्जन होगा। तो हम रात को आएंगे विसर्जन देखने के लिए, अगर बारिश नहीं हुई तो, और अगर बारिश हो गई तो फिर पप्पा की मर्जी, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये बहुत सुंदर है कसम से। तक के सबसे सुंदर हैं, आई स्वेर, मतलब हम सबसे लेट आए हैं, लेकिन अभी तक के सबसे सुंदर हैं। गाइस, गई थी गणपति विसर्जन देखना, देखो दिख के आई हूँ मैं। पापा को बाहर निकलने नहीं दी, और इतनी तेज बारिश हो रही थी, पूछो मत। जैसे मुँह उठा के गई थी वैसे मुँह उठा के बड़ी मुश्किल से घर आई हूँ। अब देखूँ, पता नहीं अब जाऊँगी विसर्जन देखने के लिए।